ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आखिरकार सब कुछ चीज़ें जो जीवन में हमारे घटित हो रही है, ये सब कुछ अच्छी कब होगी? कब हमारे अच्छे दिन आएंगे? कब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे? कब हमारी मेहनत का हमें फल मिलेगा और कब हमारी उन्नति होगी? इसके साथ साथ ही जीवन में जो लोगों ने हमें धोखा छल कपट किया है, वो लोगों का कब भगवान न्याय करेगा? और न जाने कितने सारे आपके अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव के लिए प्रश्न मुझसे पूछे जाते हैं। जब भी जीवन में बुरा दौर चलता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, और स्वाभाविक रूप से उसे नेगेटिव होना भी चाहिए, क्योंकि सब तो चीज़ें नेगेटिव घटित हो रही है तो सब नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इसमें अच्छे और बुरे का भी हमें पता लग जाता है कि कौन व्यक्ति हमारा है, कौन व्यक्ति पराया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जो व्यक्ति अपने अभाव को जीता है, उसका वो स्वभाव बन जाता है। अभाव ही स्वभाव बन जाता है, और जब आपका अभाव आपका स्वभाव बन जाता है तो आप उन्नति की ओर धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जीवन में अपने अभाव से सीखें। अपने अभाव से सीखेंगे तो आप हमेशा जीतेंगे। दूसरा और मुख्यतः बात है कि मैं जानता हूँ कि इन हालातों में बहुत नेगेटिविटी होती है, बहुत नकारात्मकता होती है, लेकिन आप खुद को सेल्फ मोटिवेट जरूर करें। और सेल्फ मोटिवेट होने के लिए स्वयं अपने अनुभवों से अपनी चीज़ों को खुद समझें और अपने अंदर एक सकारात्मक रखें कि हाँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं ये करूँगा, चाहे उसमें असफलता मिलती रहे। क्योंकि असफलताएँ मिलेगी तभी तो हमारी योग्यताओं में निखार होगा। जब ये शुद्ध भाव होगा ना, तो बहुत जल्दी आप इन हालातों से बाहर आ जाएंगे। तीसरी बात कि आप अपने विचारों से चलें, अपने विचारों से, अपनी आइडियोलॉजी से चलें, लोगों की नहीं चलना है। आप अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, जो भी सोचते हैं आप खुद सोचिए। लोग आपको अपने तरह से डाइवर्ट करते रहेंगे, अपना भाव और अपना उद्देश्य वो आपके तरफ से अपने लिए पूरा करते रहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन नहीं होना चाहिए। आपको जो करना है खुद विचार करें, समझे, अध्ययन करें, पढ़ें, तो बहुत ही अच्छा होगा। चौथी बात है कि अपने गुरु मंत्र का जाप इस युग में सबसे ज़्यादा सकारात्मक और पॉजिटिव है, तो गुरु मंत्र का जाप आप जरूर करें। और इस युग में जो एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपको कोई नहीं बताता है, वो ईमानदारी। बेशक ईमानदारी में हमें बहुत सी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बेशक ईमानदारी में हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, कछुए की चाल से चलेंगे, लेकिन ईमानदारी के जो परिणाम है वो बहुत दूरगामी है, और उन परिणामों को हमारी पीढ़ियाँ जो है वो आनंद लेती है। तो ईमानदारी अपने आप में एक तप है, एक यज्ञ है, और अपने नौ के नौ ग्रहों को सही करने का एक सही माध्यम है दोस्तों। तो हमेशा ये बात अपने अंदर बिठा के रखें। अगर ये आपको वीडियो कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना, कमेंट्स बताना, ये अच्छा नहीं लगा। ओम नमः शिवाय।